नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज बुलेटिन को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज्यादा इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को शिकस्त दी थी। देश की आज़ादी के बाद वो पहली आदिवासी महिला हैं जो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं। उन्हें CGI एनवी रमना ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। शपथ से पहले वो राजघाट पहुंची और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने संसद में कहा कि राष्ट्रपति पद पर पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के हर गरीब की उपलब्धि है। मेरा चुनाव इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब न सिर्फ सपने देख सकते हैं बल्कि उन सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए उनका भाषण बताता है कि किन कठिन परिस्थितियों में उनकी जिंदगी गुजरी है। ये सच है, मुर्मू को जब NDA ने राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने का फैसला किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PMO से कहा कि फौरन मुर्मू से बात कराई जाए। मुर्मू ओडिशा के गांव में थी जहां भारत की दूर संचार व्यवस्था का नेटवर्क फेल हो गया। PMO के आधिकारिक सूत्रों ने जी न्यूज़ को बताया कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव के लिए आयोजित NDA की बैठक में उनका नाम तय होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले द्रौपदी से फ़ोन पर बात कर उन्हें बधाई देना चाहते थे। PMO ने द्रौपदी से संपर्क करने की कोशिश शुरू की। सूत्रों ने बताया कि 10 बार फ़ोन पर द्रौपदी मुर्मू तक पहुँचने की कोशिश करने के बाद भी फ़ोन लाइन नहीं लग पाई। ओडिशा के दूर दराज के गांव में कमजोर नेटवर्क सरकारी अधिकारियों के लिए नई बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को ये सूचना देने में PMO के अधिकारी खुद बहुत असहज पा रहे थे। PMO के अधिकारियों ने द्रौपदी के गांव रैरंगपुर के एक स्थानीय BJP नेता विकास चंद्र महतो के फ़ोन नंबर को ट्राई किया। विकास रैरंगपुर में दुकान चलाते हैं। जब PMO का फ़ोन आया तो विकास दुकान पर थे। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक हताश आवाज़, मैडम मुर्मू से बात कराइए, जल्दी करिए, प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं। विकास फ़ोन लेकर साइकिल से फौरन द्रौपदी के घर की ओर भागे। रास्ते में उनका फ़ोन भी कनेक्शन 2 बार कट गया। अंत में द्रौपदी के घर पहुंचकर PMO की ओर से 3री बार फ़ोन आया। BJP नेता ने अपना मोबाइल फ़ोन मैडम मुर्मू के हाथ में थमा दिया, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और फिर PM ने उनको ये खबर सुनाई। उद्धव ठाकरे गुट ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दायर याचिका में चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट ने चुनाव आयोग से अपने ग्रुप को असली शिवसेना का दर्जा दिए जाने की मांग की है। इसी को लेकर उद्धव ठाकरे के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं कर सकता है क्योंकि इससे जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। बता दें, चुनाव आयोग ने शिवसेना के दोनों गुटों से कहा है कि वो 8 अगस्त तक दस्तावेज, सबूत और लिखित बयान दें ताकि ये साबित किया जा सके कि असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व कौन करता है। उसके बाद ही चुनाव आयोग मामले की सुनवाई करेगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पार्टी में पिछले विद्रोहों के उलट इस बार के विद्रोह का उद्देश्य शिवसेना को खत्म करना था। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला करने के लिए पेशेवर एजेंसियों को काम पर रखा गया, ये पैसे और वफादारी की लड़ाई है। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना हिंदुत्व के लिए राजनीति में है जबकि भाजपा अपने राजनीतिक हितों के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। ठाकरे ने यह बात रविवार को दक्षिण मुंबई में एक वार्ड स्तरीय पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा में जिस कथित बार को लेकर विवाद हुआ है, वहां से बार शब्द रविवार को हटा दिया गया, लेकिन युवक कांग्रेस ने उस छिपा दिए गए शब्द पर से कागज हटा दिया तो वहां फिर से बार लिखा नजर आने लगा। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ईरानी ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा आदि को मानहानि का नोटिस भेजा है। बता दें, कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में अवैध बार चलाती हैं क्योंकि जिस शख्स को ये लाइसेंस मिला था उसकी मौत हो चुकी है। कांग्रेस के इस आरोप के बाद स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि वो चूंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप लगा चुकी हैं इसलिए उन्हें घेरा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उनकी बेटी का कोई बार गोवा में नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को कोर्ट में देखने की धमकी भी दी। हालांकि स्मृति ईरानी ने जब बेटी के रेस्टोरेंट या बार ना होने की बात कही तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा एक पुरानी रिपोर्ट लेकर आ गए जिसमें स्मृति ईरानी अपनी बेटी के रेस्टोरेंट के खाने की समीक्षा को इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा करती हैं और बेटी और रेस्टोरेंट को टैग करते हुए अपनी बेटी पर गर्व होने की बात कहती हैं।
moneycontrol.com ने स्मृति ईरानी के इस बयान को प्रकाशित किया था। कांग्रेस नेताओं ने मनी कंट्रोल का लिंक भी शेयर किया। बहरहाल स्मृति ईरानी ने रविवार को कांग्रेस के तीनों नेताओं और उनकी पार्टी को यह आरोप लगाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है कि उनकी 18 वर्षीय बेटी गोवा में अवैध बार चला रही है। कानूनी नोटिस विपक्षी दल के पवन खेड़ा, जयराम रमेश और नेता डिसूजा को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला द्वारा आधार और मतदाता पहचान पत्र को लिंक करने वाले विवादास्पद कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि आप दिल्ली हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं करते। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वास्तव में 3 अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे, अलग अलग हाईकोर्ट के फैसलों में भिन्नता हो सकती है। इस पर बेंच ने कहा कि अगर कई तरह की कार्रवाई होती है तो केंद्र क्लबिंग और ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, बाद में अगर जरूरी हो तो इन सभी को क्लब करके एक हाईकोर्ट में ही भेजा जा सकता है। बता दें याचिका में सुरजेवाला ने इस कानून को असंवैधानिक और निजता के अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। बता दें देश के तमाम आधार कार्यकर्ता और नागरिक संगठन सरकार के इस कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने इस कदम के बारे में खतरे की घंटी बजाई है। उनका कहना है कि इससे तमाम नाम मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं और सरकार डेटा की गोपनीयता से समझौता कर सकती है। यूपी की कासगंज पुलिस ने एक मुस्लिम युवक को लव जिहाद के मामले में कथित तौर पर फंसाने के आरोप में बीजेपी नेता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अमन चौहान खुद को बीजेपी नेता बताता है और भारतीय जनता युवा मोर्चा में है। उसके साथी का नाम आकाश सोलंकी है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली की एक महिला ने दोनों आरोपियों पर रेप का झूठा आरोप लगाने के लिए काम पर रखने का आरोप लगाया है। उससे कहा गया था कि वो प्रिंस कुरैशी पर रेप करने और जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का आरोप लगाए। महिला ने जब अदालत में यह बयान दिया तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। आरोपियों को छुड़ाने हिंदू संगठनों के कई नेता थाने पहुंच गए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली की महिला ने इससे पहले कासगंज के थाने में मुस्लिम युवक प्रिंस कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसने कुरैशी पर फेसबुक पर खुद को मोनू गुप्ता के रूप में पेश करने, उससे शादी करने का झूठा वादा करने और फिर उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया था। कथित स्कूल नौकरी घोटाले के सिलसिले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को सोमवार तड़के एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स भुवनेश्वर में ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसा कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया गया। रविवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंत्री पार्थ चटर्जी को एम्स में ले जाने के अलावा ईडी से कहा था कि वो शाम 4 बजे उनको वर्चुअली ही विशेष ईडी अदालत के सामने पेश करें। बता दें 2 दिन की ईडी हिरासत में भेजे जाने के बाद चटर्जी की तबीयत सही नहीं बताई जा रही थी और वो बेचैनी की शिकायत कर रहे थे। दिल्ली में 34 वर्षीय व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने रविवार को मंकी पॉक्स को लेकर एक समीक्षा बैठक की। भारत में मंकी पॉक्स के अभी तक 4 केस हो चुके हैं। दिल्ली में पाया गया मामला 4th केस है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव DGHS और निदेशक NCDC ने संयुक्त निगरानी समूह के साथ ये बैठक की। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी निगरानी की सलाह दी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी.com के साथ।